दोस्तों, देखिए हम मेले में आई हूँ और मेले में गोला के पास खरीद आ हूँ और इधर पप्पू ने बहुत जिद कर रहा है गोला खाने के लिए और हम आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर रही हूँ। तो बहुत दिन बाद गोला खाने के मन कर रहा है पप्पू के साथ और मैं भी बहुत तरस रही थी गोला खाने के लिए, इसलिए ये लाल पीला सभी रंग देखकर मुझे भी बहुत पसंद आ गया। पर पप्पू ने जिद कर रहा है, इसके बहाने मेरे भी कुछ हो जाएगा। तो ठीक है, पप्पू के पास आ गई और पप्पू के पूछ के मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ। तो पप्पू, कौन सी आपका चॉइस है आप बता दो। तो देखो पप्पू ने क्या चॉइस कर रहा है। पप्पू तो देख लीजिए आप लोग चार्ट को, तो उसके बाद हम दिखाते हूँ। ठीक है, हम चॉइस कर लिए और पप्पू ने पाइनएप्पल गोला चॉइस कर लिया और वो किस किस के पर कौन सी हाँ कैसे कैसे बनाते हैं वो आप लोग देख लीजिए। ये भाई ने बहुत अच्छी तरह से बना रहे हैं, अभी सोडा प्रेस कर रहे हैं और पप्पू ने बहुत जीत कर रहा है। उन्होंने बोल रहे हैं मैं आइस डाल के पीऊँगी। तो अभी ठंडे का मौसम चालू हो गया है और आइस डालने से सर्दी आ जाएगा, पर वो तो बात छोटी है, वो बात नहीं सुन रहे हैं, इसलिए मैं उसके बहुत डांट पड़ रहा है उसको। पर तब भी मैं उसका बहाना छोड़ दिया क्योंकि मैं भी पी सकती हूँ, इसलिए। ठीक है, देख लीजिए बहुत स्मोक हो रहा है और पप्पू ने बहुत खुश है और वो पीने की भी चालू कर दिया है। हाँ देखो कितना खुश है, उसका खुश कर देख कर मुझे भी बहुत मुस्कुराहट आ रहा है। तो पप्पू बोल दीजिए कैसे आपको टेस्ट लग रहा है। देखो पप्पू ने बोला बहुत अच्छा है और इधर टेस्ट भी बहुत अच्छी है। तो पप्पू तुम अभी दिखा दो कैसे है। पप्पू तो बहुत खाने के बहुत पीने के बहुत बिजी है। तो ठीक है, मैं अब बात कर लेती हूँ आप लोगों के साथ, अब तब तक पप्पू पी लेते हैं। ठीक है पप्पू, आप दिखा दो और कैसी है टेस्ट और फिर भी एक बार दोस्तों को दिखा दो। तो पप्पू तो बोल दिया और मैं भी आप लोगों के साथ बात कर लेती हूँ और कितना रुपये है वो भी मैं देख लेती हूँ। तो मैं जान गया 50 रुपीज़, तो इसलिए तो मैं 50 रुपीज़ निकल रही हूँ क्योंकि पप्पू का पिताजी ने वीडियो कर रहा है, इसलिए उसका वॉलेट से मैं रुपी निकल कर पेमेंट कर रही हूँ। तो देखिए चिट्ठा मिल गया और अभी आप लोग देख लीजिए यहाँ पर पंजाबी लस्सी भी मिलता है, पर हम अभी लस्सी नहीं पिएंगे, हम तो गोला पिएंगे बहुत दिनों के बाद। तो आज मेरा वीडियो ऐसे ही ख़त्म कर रही हूँ, तब तक के लिए आप लोगों के साथ फिर भी मुलाकात होएगा। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह।